नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप किसी भी इमेज के साइज़ को रिड्यूस करके अंडर 50 KB आप कैसे लाएंगे, जो कि आज के डेट में कोई भी ऑनलाइन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन आप भरते हैं तो वहाँ पर आपका इमेज का साइज़ अंडर 50 KB मांगता है। तो आप किसी भी इमेज के साइज़ को अंडर 50 कैसे बनाएंगे, ये चीज़ मैं आपको MS पेंट में करके बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। आप देखते रहिए, काफ़ी ही आप जल्दी देख लेंगे। सबसे पहले मैं इमेज का साइज़ मैं आपको चेक करवा देता हूँ। इमेज का साइज़ चेक करने के लिए आप इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज का साइज़ यहाँ पे 106 MB है, ठीक है। अब हमें इसे रिड्यूस करके 50 KB के अंदर लाना है। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को MS पेंट में ओपन कर लेता हूँ। MS पेंट में ओपन करने के लिए आप इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप पेंट पे क्लिक कर दीजिए। आपका इमेज MS पेंट में ओपन हो गया, ठीक है। इमेज काफ़ी बड़ा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी हाई है, ठीक है। तो इसको आपको रिसाइज करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर रिसाइज का आइकन यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, आपको इस वाले बटन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार का छोटा सा विंडो आपको ओपन होगा। यहाँ पर अभी आपका परसेंटेज पे सेलेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पर पिक्सल पर सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले पिक्सल पर सेलेक्ट कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपका सलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी नंबर हो उस पर कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपली आप यहाँ पर 200 लिख दीजिए, ठीक है। 200 लिखने के बाद आपको यहाँ पे ओके करना है। आपका इमेज चाहे कितना भी बड़ा हो, वो आपका ऑटोमेटिक अंडर 50 KB में चला जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ओके किया, ओके करने के बाद ये अंडर 50 KB में चला गया है, ठीक है। अब आप इसे यहाँ पे सेव एज कर लीजिए, फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप सेव एज पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं यहाँ पे एडिटेड इमेज के नाम से सेव कर लेता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद मैं पेंट को क्लोज करता हूं और ये हमारा एडिटेड इमेज है। अब हम इसका साइज चेक करते हैं। हमने राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, ठीक है। अभी आप यहां पे इसका साइज आप देख सकते हैं, इसका साइज यहां पे 12 KB हो गया है, ठीक है, जो कि किसी भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ये अप्लीकेबल है, ठीक है। और मैं इसका क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ, क्वालिटी इसका सही है, ठीक है। इमेज फट नहीं रहा है, इमेज का क्वालिटी भी सही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी इमेज के साइज़ को आप अंडर 50 KB आप ला सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर बस आपको पिक्सल पे सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो लिखना है 200 आपको लिखना है, 200 लिख के आपको ओके कर देना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।